जहां एक ओर लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और मैं ट्वीट पढ़कर आपको बताने की भी कोशिश करूंगा। उन्होंने पूरी तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि जिस तरीके से युवाओं की परीक्षा पास करने के बावजूद 5 साल की संविदा देने वाले सत्ताधीश खुद चंद दिनों की संविदा पर कार्यरत हैं, उसी तरीके से जो जनता है और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वह सरकार को बेनकाब करेंगे और सरकार की जो हकीकत है उसे जनता के बीच लेकर के जाएंगे। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को कड़ी परीक्षा पास करने के बावजूद उन्हें नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं और समाजवादी सरकार के कामों पर अपने काम का ठप्पा लगाने और फीता काटने के अलावा भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया है। वस्तुतः भाजपा नेतृत्व तो समाजवादी सरकार को उसके समय हुए विकास कार्यों का श्रेय ही देना चाहती है। और समाजवादी पार्टी के नेता और कहा जा सकता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक और बड़ी बात कही है कि सरकार को इधर उधर की बहानेबाजी के बजाय यह बताना होगा कि उत्तर प्रदेश में चारों तरफ अंधेरा क्यों है। मुद्दा विहीन सरकार के कारण राज्य की जनहित की समस्याएँ उलझती जा रही हैं। उन्होंने भी कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्वतंत्रता आंदोलन में रंच मात्र भी भूमिका नहीं थी, इसलिए वह लोकनायक जयप्रकाश नारायण की स्मृति को संजोने के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को नीलामी पर चढ़ा रही है। जिस तरीके से लोकनायक जयप्रकाश नारायण का एक जो यहाँ पर सेंटर बना हुआ था उसको लेकर के कहा जा रहा था कि उसको बेच दिया जाएगा, उसका निजीकरण कर दिया जाएगा, उसको लेकर के अखिलेश यादव ने कहा है। और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि केंद्र में स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियाँ अक्षुण बनाए रखने की योजना थी, भाजपा राज में वहाँ धूल भी साफ नहीं हुई है, केंद्र का अधूरा काम रोक कर भाजपा को क्या मिला। और आपातकाल के विरोध का नेतृत्व जयप्रकाश जी ने किया था, दूसरी आज़ादी के उस संघर्ष पर धूल डालने से भाजपा नेतृत्व भी सहयोगी बन रहा है, आखिर ऐसा क्यों है। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार है उसको लेकर के अखिलेश यादव ने लिखा है कि मुख्यमंत्री जी को यह भी पता नहीं कि वे अपने आचरण से अपने प्रेरणा पुरुष का अपमान कर रहे हैं या सम्मान। सूचना विभाग के नए भवन के निर्माण की स्वीकृति समाजवादी सरकार के समय हुई थी क्योंकि सिविल अस्पताल का विस्तार करना था, इस भवन पर अपने शीर्ष नेता का नाम ही लगाना था तो अपनी किसी नई योजना को पूरा करते। उत्तर प्रदेश के हर संस्थान और संसाधन को बेचने पर उतारू भाजपा अमीरों के हाथों में बिक चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इकाना स्टेडियम समाजवादी सरकार ने बनाया उस समय और उस पर भाजपा ने अपना ठप्पा लगाया, उसके पास उस समय बने अवध शिल्प ग्राम को भी औने पौने दाम में बेच दिया गया है। सरकारी संपत्तियां बेचने के मामले की जांच समाजवादी सरकार बनने पर होगी और इसके दोषी जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। समाजवादी सरकार के समय की फिल्म सिटी का श्रेय लेने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार ने फीता काटा और अब तो उसके अभिनेता अभिनय करने के लिए लखनऊ आ रहे हैं और कोई डायलॉग भी अब नहीं बचा है। उनकी फ्लॉप पिक्चर उतरने वाली है क्योंकि प्रदेश की अलग तस्वीर बनने वालों की एडवांस बुकिंग हो गई है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर एक हमला बोला है और बड़ा हमला निजीकरण को लेकर के बोला है, बड़ा हमला युवाओं को जो नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, 5-5 साल तैयारी करते हैं लोग उनको लेकर के बोला है। और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ को यह हिदायत भी दी है अखिलेश यादव ने कि केवल फीता काटने से काम नहीं चलेगा बल्कि नया कुछ करना होगा। और जो योजनाएं आज मूर्त रूप ले रही हैं, जैसे सूचना विभाग का एक सेंटर बन करके खड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फीता काटा है, वह योजना समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी उस समय की है। तो साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव अब प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के हमलावर हो रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1 साल के बाद ही चुनाव होने हैं, ऐसे में चुनावी मुद्दे जो है वह भी योजनाओं को लेकर के सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्णमोहन।